अपनी 24 घंटे की जिंदगी में तुम्हारी हॉस्टल लाइफ है, पार्टियां ना बनो, ना मजहब के उनवान पर, ना सियासत के उनवान पर। मेरे देश को मजहबी नफरत ने भी बर्बाद किया है और सियासी नफरतों ने भी बर्बाद किया है। सियासी जमातों के आलाकार मत बनो, कोई कोई फेडरेशन, या तुम इस्तेमाल हो जाओगे सियासी लोगों के। सारा मुल्क जवाल का शिकार है। मैं सियासतदानों का सिर्फ गिला नहीं करता हूं, मेरा तो रेड़ी पे सेब बेचने वाला भी बद्दयानत है, खाइन है। तो मैं सियासतदानों का गिला क्या करूं, मैं अफसरान का, ब्यूरोक्रेसी का रोना क्या रोऊं, हमारा तो चपड़ासी भी बद्दयानत है। सियासी जमातों के आलाकार मत बनो, अल्लाह उसके रसूल की गुलामी को ढूंढो ढूंढो। मजहबी नफरतों का शिकार मत हो। हमारी नस्लों में बड़े दुख से ये बातें कह रहा हूं कि जैसी नफरत मैंने पाकिस्तान में देखी है मजहब की, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। मजहब का इख्तलाफ कब नहीं था? मेरे नबी की मौजूदगी में सहाबा में इख्तलाफ था, नबी की मौजूदगी में इख्तलाफ था। इख्तलाफ खत्म ही नहीं हो सकता। मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। एक जगह नमाज का वक्त था, हमने गाड़ी रोकी, मैं आगे बढ़ा, दो तीन नौजवान खड़े थे, पगड़ियां बांधी हुई। मैंने कहा भाई अस्सलाम अलैकुम, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई अस्सलाम अलैकुम, सलाम का जवाब नहीं दिया। ये नफरत किसी ने उनके अंदर बिठाई है। मेरा जाहिरी हुलिया तो मुसलमानों वाला था, तो मुझे सलाम का जवाब देना, अगर मैं उसकी नजर में काफिर भी था तो मुझे सलाम का जवाब देना जायज था उसको, कि भाई हम किसी के अंदर को क्या जाने, हम तो जाहिर को देखकर करेंगे। मेरे मदरसे का एक शागिर्द, एक बच्चा मुल्तान गया आई टेस्ट करवाने, वहां क्लिनिक के बाहर वेटिंग रूम में 50-60 मरीज बैठे थे। एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, सफेद पगड़ी, काफी रंगीन पगड़ी, सफेद दाढ़ी, तो उनके लिए खड़ा हो गया कि आप यहां तशरीफ लाएं। तो उसके भी पगड़ी थी सफेद और दाढ़ी, तो कहा तुम हो कौन? कहा जी मैं तालिब इलम। किधर पढ़ते हो? कहा जी मैं तारिक जमील साहब के मदरसे में पढ़ता हूं। तो उसने मुंह पे थूक दिया, मुंह पे थूक दिया। 60 साल से ऊपर उम्र, मुंह पे थूक दिया। तो उस बच्चे ने उफ नहीं की और एक तरफ जाकर बैठ गया। जब वो साहब अंदर चले गए डॉक्टर को दिखाने, तो सारे वो वेटिंग रूम के लोग उसके पास आ गए, बेटा कौन हो, कहां से आए? चूंकि वो उनकी आपस की गुफ्तगू उन तक नहीं पहुंची, उन्हें ये देखा कि एक साहब ने इस बच्चे के मुंह पे थूका है। तो उन्होंने कहा जी मैं वहां तलंबे से आया हूं, वहां पढ़ता हूं, तारिक जमील साहब के मदरसे में पढ़ता हूं। हैरान परेशान सारे कि क्या दीन के नाम पे इस हद तक नफरत जा सकती है? अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चों, इस नफरत का शिकार ना हो, वरना तुम सबसे बड़े दुश्मन हो गए अपने दीन के, और तुम सबसे बड़े गद्दार हो गए अपने नबी के और कुरान के और शरीयत के। तुम अपने नबी की सीरत उठा के देखो, मुनाफिकों को गले लगाया।